आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ योग नगरी ऋषिकेश। तो फिर केदार बाबा से हमारे लिए भी कुछ मांग लेना, ठीक है ना, कि हमें भी जल्दी से दर्शन करने के लिए बुलाए, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी दोस्तों हम वर्चुअल दर्शन करवाएं आपको भी जल्दी से जल्दी। तो मुजफ्फरनगर स्टेशन पे देख लीजिए, ये पानी की सेवा कर रहे हैं, सारे रेल वाले यात्रियों को ठंडा पानी दे रहे हैं, ये देख लीजिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली योग नगरी ऋषिकेश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ योग नगरी ऋषिकेश। हाँ जी दोस्तों, आप में से कई सारे लोग दोस्तों प्लान बना रहे होंगे ऋषिकेश जाने का, ऋषिकेश घूमने का। तो आज इस व्लॉग में गाइस मैं आपको दिल्ली से ऋषिकेश तक की जर्नी दिखाने वाला हूँ, वो भी मिनिमम प्राइस बिल्कुल बजट टूर, और उसको हमारा होने वाला है। तो दोस्तों इस व्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं SBTS स्टोरीज। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। गाइस आज की जो हमारी ट्रेन है वो होने वाली है दोस्तों 14309 उज्जैनी एक्सप्रेस। और दोस्तों ये जो ट्रेनें चलती है दोस्तों मध्य प्रदेश के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से योग नगरी ऋषिकेश जंक्शन तक। और दोस्तों हम जो आज जाने वाले हैं वो जाने वाले निजामुद्दीन स्टेशन से योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन तक। दोस्तों ये वीक में दो दिन चलती है ट्रेन, थर्सडे और फ्राइडे। गाइस हर बार की तरह इस बार भी हम जो है जनरल कोच में अपनी जर्नी करने वाले हैं, बिल्कुल बजट टूर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, पहले अपनी टिकट लेते हैं और फिर इंक्वायरी करते हैं। दोस्तों ये है जनरल टिकट काउंटर, तो चलिए दोस्तों यहाँ से टिकट लेते हैं अपनी। तो टिकट ले लिया मैंने और पर पर्सन दोस्तों 100 रुपये की बड़ी देख ली, जहाँ लिखा हुआ 200 रुपये। मेरे साथ एक लोग और है तो हम दोनों दोस्तों 200 रुपये की टिकट पड़ी है, और ये निजामुद्दीन से आपकी योग नगरी ऋषिकेश तक की है। दोस्तों ये है इंक्वायरी काउंटर, चलिए यहाँ से इंक्वायरी कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है देख लीजिए, हमारी जो ट्रेन है ये 14309 उज्जैन एक्सप्रेस 9:50 पर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आने वाली है। दोस्तों टिकट काउंटर के बिल्कुल अपोजिट में आपको यहाँ पर वेटिंग हॉल मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपर क्लास वेटिंग हॉल, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। आपको यहाँ वॉशरूम भी मिल जाएगा और दुकान भी, यहाँ पे कुछ खा भी सकते हैं। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और गाइस इस ट्रेन के जो जनरल कोच है वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, इसके लास्ट में लगे हुए उसको जनरल कोच, इसमें उसको 3 कोच लगे हुए जनरल के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों बिल्कुल लास्ट में वहाँ पर। दोस्तों मैं आपको इस ट्रेन की टाइमिंग बता दूँ, ये चलती है दोस्तों निजामुद्दीन से 9:35 पर, और आपको योग नगरी ऋषिकेश बताती है दोस्तों 6:35 पर, जो टोटल दोस्तों 8 घंटे लेती है ये ट्रेन। दोस्तों अभी ट्रेन आ चुकी देख लीजिए, इसमें इंजन लगा हुआ है WEB 7। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका अपने मैं कोच में। गाइस हम आगे चले गए थे और ये जो कोच है वो पीछे आए, हमें पता नहीं था, किसी ने बोल दिया कि उस तरफ आएंगे, तो हम जो कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों अब वहाँ से हम भाग के आए हैं पैदल, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा देर का होल्ट नहीं रहता। तो फिलहाल तो दोस्तों हमें यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पर हम बैठे हैं, ये बैठा है यहाँ पर निशांत, ये देख लीजिए निशांत कैसे भाग के आए बता भाई, बिल्कुल लास्ट में थे, हमें लगा वहाँ पे जनरल कोच है। दोस्तों आपको दिखाते हैं उसकी कुछ, यहाँ पर आपको 40 सॉकेट मिल जाए देख लीजिए, और ऊपर आपको लगेज रखने के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया है देख लीजिए, और अपनी सीट जो दोस्तों यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे कहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों डिपार्चर हो चुका हमारा ट्रेन का देख लीजिए, और यहाँ से निकल चुके हैं, और अपना जो सफरनामा दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, बहुत मज़ा आने वाला है। फुल पूरी वीडियो देखना दोस्तों। ये दोस्तों अपना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है देख लीजिए, सब लोग बैठे हैं, सबको सीट मिली हुई है आराम से सब लोग, ये देख लीजिए यहाँ पर ही सब लोग बैठे हैं। तो आप जाना चाहते हो दोस्तों इस ट्रेन से आ सकते हैं, बढ़िया ट्रेन है, ये देख लीजिए ऑन टाइम चल रही है दोस्तों अभी तक तो ये ट्रेन। तो हमारी जो ट्रेन है यहाँ पर रुकी हुई है देख लीजिए, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं चल रही आगे। तब तक गाइस मैं आपको इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और इसकी दोस्तों टाइमिंग है निजामुद्दीन से निकलने की 9:35 पर, और आपको ये ऋषिकेश बताती है दोस्तों शाम को 6:35 पर। टोटल डिस्टेंस की बात करें दोस्तों 275 किलोमीटर का हम डिस्टेंस रहने वाला है, और टोटल दोस्तों 8 घंटे ये ट्रेन लेती है। छोटे बड़े मिला के दोस्तों 8 स्टेशन है इसके। निजामुद्दीन से निकल के पहुँचते दोस्तों गाजियाबाद के बाद दोस्तों आपका पहुँचती है ये मेरठ सिटी जंक्शन, फिर आपको पहुँचती है मुजफ्फरनगर, फिर आपको पहुँचती है सहारनपुर, वहाँ से दोस्तों पहुँचती है फिर ये रुड़की से फिर आपका हरिद्वार, और दोस्तों फिर हमारी डेस्टिनेशन योग नगरी ऋषिकेश। दोस्तों ये जो ट्रेन है ये हफ्ते में 2 दिन चलती है, थर्सडे और फ्राइडे। आज ट्रेन बढ़िया है, ज़्यादा भीड़ नहीं है उसके अंदर, से मैंने आपको दिखाया है देख लीजिए, ज़्यादा भीड़ नहीं है उसके अंदर, सबको सीट मिली है, सब ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं। आज आपको यहाँ ट्रेन में ये मिलेगी देख लीजिए, यहाँ पर आपको कैंडी मिल जाएगी 10-10 रुपये की है ये, हमने जो है ये लिए
ये है दोस्तों यमुना रिवर, देख लीजिए। जय माँ यमुना जी। दोस्तों आपको इस ट्रेन में देख लीजिए पानी कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगा यहाँ पर। दोस्तों पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री है, ये भैया खड़े सामने, यहाँ से दोस्तों आपको पानी कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगा। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन। नाइस दोस्तों, ये ट्रेन यहाँ पर 23 मिनट लेट हो चुकी है, इसलिए दोस्तों पहुँचने का टाइम था यहाँ पर 10:23 पर, बट ये यहाँ पहुँची है 10:48 पर। तो दोस्तों अभी तो दोस्तों सो फार जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, ज़्यादा ट्रेन में भीड़ भी नहीं है। तो डिपार्चर हो चुका हमारा यहाँ पर, उसका 2 मिनट का हॉल्ट था गाजियाबाद जंक्शन से। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ट्रेन योगनगर ऋषिकेश से आ रही है और ये रास्ता जा रही है पुरी की तरफ। अगर आप वहाँ से वापसी आना चाहते हो तो इस ट्रेन में आ सकते हैं, ये आपको उस ट्रेन मिल जाएगी, देख लीजिए। दोस्तों अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई देख लीजिए, आधा घंटे से दोस्तों यहाँ पे खड़ी है, ये मोदी नगर स्टेशन है। दोस्तों यहाँ पे खड़ी है बहुत देर से ट्रेन, दोस्तों हमारी बहुत लेट हो जा रही है और उसको ट्रेन के अंदर कोच के अंदर बहुत गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आ गया थोड़ी सी हवा खाने के लिए, यहाँ थोड़ा सा ठीक है। और सब लोग दोस्तों देख लो बाहर ही है ऑलमोस्ट। सो फाइनली दोस्तों चल चुके हमारी ट्रेन मोदी नगर से, पूरे 45 मिनट दोस्तों यहाँ पर खड़ी हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट स्टेशन अपना आएगा मेरठ सिटी जंक्शन। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेरठ सिटी जंक्शन, ये देख लीजिए यहाँ दोस्तों, ये थोड़े से लेट 40 मिनट लेट हो गई है ट्रेन। इस ट्रेन में आपको स्लीपर कोच, 3 टायर AC और 2 टायर AC भी मिल जाएगा। अगर आप स्लीपर कोच में आते हैं तो आपके 200 रुपये लगेंगे, अगर आप 3 टायर AC में आते हैं तो आपके 505 रुपये लगेंगे, अगर आप 2 टायर AC में आते तो आपके 710 रुपये लगेंगे। दोस्तों ये जो किराया ये है निजामुद्दीन से योगनगरी ऋषिकेश तक का। तो दोस्तों अब यहाँ थोड़े से हम पेट भजन कर रहे हैं, मेरी भूख लग रही थी तो हमने यहाँ चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक इसको पीते हैं, फिर आके आपसे मिलते हैं। दोस्तों मुझे सीट मिल चुकी है यहाँ पर और अभी उसको मुजफ्फरनगर आने वाला है और यहाँ सामने इसको भी मिल गई है सीट। कैसा हाल है? बहुत देर बाद सीट मिली है, बड़ी दिक्कत होते बाद कोई यहाँ से धक्का मार रहा है। दोस्तों हमारा जो यहाँ गर्मी है बिल्कुल सही सीट मिल चुकी है। दोस्तों मुजफ्फरनगर स्टेशन पे देख लीजिए, ये पानी की सेवा कर रहे हैं, सारे रेल वाले यात्रियों को ठंडा पानी दे रहे हैं, ये देख लीजिए। तो गाइस मैं वीडियो बना रहा था तो ये भैया बोलने लगे कि मेरी वीडियो बना लो। क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। अच्छा कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव। कहाँ पर जा रहे हैं? मैं केदारनाथ घूमने। अच्छा आप केदारनाथ जा रहे हैं? दो धाम। तो आप अच्छा दो धाम करें, कौन कौन से? हरिद्वार और ऋषिकेश। अच्छा केदारनाथ जा रहे हैं, तो अभी आप हरिद्वार उतरोगे? हाँ हरिद्वार पहले वहीं रूम लेंगे। अच्छा फिर वहाँ से फिर आगे निकलोगे कल सुबह? हाँ तो फिर केदार बाबा से हमारे लिए भी कुछ मांग लेना, ठीक है ना? कि हमें जल्दी दर्शन करने के लिए बुलाएं और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी दोस्तों हम वर्चुअल दर्शन करवाएं आपको भी जल्दी जल्दी। ये दोस्तों जा रहे केदारनाथ, ये हमारे साथ ही है इस ट्रेन के अंदर। सब्सक्राइब करो गाइस इसके चैनल को और लाइक करो। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन। गाइज ये ट्रेन यहाँ पर 1 घंटा लेट हो गई है और दोस्तों ये ट्रेन यहाँ पर 1 घंटा रुकती है क्योंकि दोस्तों यहाँ से इंजन हटके अब इसके पीछे चला जाएगा। पहले दोस्तों ये ट्रेन इस तरफ जा रही थी बट ये अब ये ट्रेन इस तरफ जाएगी सहारनपुर से, दोस्तों इसकी जो है ट्रैक अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हट चुका है क्या नाम है इंजन, अब वो इंजन ना चला जाएगा आगे। मैं कोशिश करता हूँ अगर ट्रेन को चलने से पहले अगर वहाँ पहुँच करता फिर आपको दिखाता हूँ आगे जाके। दोस्तों इंजन लग चुका है देख लीजिए सामने, ट्रेन पर चलने वाली है यहाँ से। पहले दोस्तों हमारा जनरल कोच था वो ट्रेन के आगे था, अब जो दोस्तों हमारा जनरल कोच है वो ट्रेन के पीछे हो गया बिल्कुल। पहले ट्रेन दोस्तों यहीं जा रही थी अभी इस तरह जाएगी, ये देख लीजिए सामने हमें खुद के ये इंजन यहाँ पर लगा रहे हैं, देख लीजिए अभी भी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए बिल्कुल ट्रेन के लास्ट में था आगे आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना,
सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स कलीग के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रुड़की। दोस्तों हमारी जो ट्रेन यहाँ पर बिफोर टाइम पहुंची है। हाँ जी दोस्तों, पहले तो ये लेट हो रही थी एक घंटा, बट अभी ये यहाँ पर 16 मिनट पहले पहुंच चुकी है। और दोस्तों इसके बाद जो है हम अपना देवभूमि उत्तराखंड में एंट्री कर लेंगे। पहले हमारा दोस्तों हरिद्वार आएगा और फिर अपनी डेस्टिनेशन योगनगरी ऋषिकेश। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। दोस्तों हम आ चुके हैं हरिद्वार और ये जो ट्रेन दोस्तों यहाँ पर 25 मिनट लेट हो गई है। उसका टाइम तो दोस्तों यहाँ पहुँचने का 4:16 पर, बट ये यहाँ पहुँची है उसको 4:35 पर। गाइस ये है यहाँ का। और दोस्तों ऑलमोस्ट जो यात्री यहाँ उतर चुके हैं, मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ, बिल्कुल खाली पड़ी अंदर से। मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेन, ये देखिए गाइस बिल्कुल खाली पड़ी ट्रेन। यहाँ पर ऑलमोस्ट सवारी दोस्तों यहाँ पर उतर चुकी है और नेक्स्ट स्टेशन दोस्तों अपना है योगनगरी ऋषिकेश। ये बैठा है बिल्कुल आराम से। अरे अरे महादेव, ये देखिए बिल्कुल खाली होगी ट्रेन यहाँ पर। सो चुका अपना डिपार्चर हरिद्वार स्टेशन से। जय शिव शंभो। अब पहुँचे दोस्तों हम ऋषिकेश। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली योग नगरी ऋषिकेश। गाइस सच में ये यहाँ पर 50 मिनट पहले आ गई, बिफोर टाइम आई दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेन। ये देख लीजिए बिल्कुल खाली है स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश। हम पहुंच चुके हैं, अब चलिए दोस्तों यहाँ से करते हैं एग्जिट। सो दोस्तों ये है आपके सामने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। और गाइस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप दिल्ली से ऋषिकेश कहाँ से आए बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। और इससे नेक्स्ट जो व्लॉग आए दोस्तों मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि आप ऋषिकेश में बिल्कुल बजट स्टे कहाँ पर करें, और आपको राफ्टिंग भी कराऊंगा, उसकी सारी डिटेल दोस्तों अब मैं इस नेक्स्ट व्लॉग में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। टाटा बाय बाय।